चलिए आज हम सीखेंगे अलंकार फिफ्थ, यानी कि पांचवा अलंकार। तो पांचवे अलंकार में हम पांच स्वर बजाएंगे एक साथ, और जो पांचवा स्वर होगा उस पे हम रुकेंगे। तो चलिए देखिए कैसे बजाएंगे। फिंगर्स आप ध्यान से देखिए। सा रे गा मा पा को लंबा करेंगे, ठीक है। फिर रे गा मा पा धा गा और धा, ये हम किससे बजा रहे हैं, थंब से। रे गा मा पा धा, फिर गा मा पा धा नी। अब यहां से सीधा मा पे, मा पा धा नी सा। ये आप क्या कर सकते हो, गा मा पा धा नी, ये भी कर सकते हो आप, गा मा पा धा नी, ताकि ये फिंगर हमारी यहां पे मा पे जाने के लिए स्पेयर रहे। गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा नी धा पा मा, जैसे हम बजाते हैं सा नी धा पा मा, नी धा पा मा गा, ऐसे भी कर सकते हैं, नी धा पा मा गा, यानी यहां पे आपका धा आना चाहिए, नी धा पा मा गा, धा पा मा गा रे, पा मा गा रे सा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा अलंकार है, अलंकार सिक्स्थ, उसमें हम कितने स्वर बजाएंगे, छह। तो छह स्वर हम कैसे बजाएंगे, फिंगर्स वही ध्यान रखें आप कि गा और धा इस पे हमारा थंब आना चाहिए। तो आप देखिए कैसे बजाएंगे। सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे सा। फिर से देखिए, सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा। यानी इसके बाद आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, वो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जो आपको सही लगे वो भी लगा सकते हैं। गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा, नी धा, ये भी कर सकते हो आप, नी धा पा मा गा रे। वैसे आप ये यूज करें ताकि आपको इजी रहेगा, नी धा पा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेकंड फिंगर ये कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सा यूज नहीं हो रहा, तो उसके बाद ये कर सकते हैं, नी धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे सा। तो ये थे हमारे अलंकार फिफ्थ एंड सिक्स। आई होप आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे आप सीख सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9466209444, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं।